हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल चैम्प। सो गाइस, मैंने अपने पिछली वीडियो में ये डर्सील जी बनाया था, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा भी बना था और हैवी भी बना था। अगर आप जानना चाहते हैं इसे कैसा बना है तो आप वो जाके मेरे चैनल पे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, अपनी आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ टर्बो स्प्राइजन। तो टर्बो स्प्राइजन बनाने के लिए आप सबसे पहले उसकी टेम्पलेट्स ड्रॉ कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए, जो आपका मन है। तो मैंने तो ड्रॉ की है, आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर आप ड्रॉ करना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस पा सकें। लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, टर्बो स्प्राइजन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये 5 पीसेस चाहिए। एक गत्ते पे आप टर्बो स्प्राइजन की जो टेम्पलेट है उसको चिपका के काट लीजिए। मैंने काट लिया है और ये बिल्कुल सही काटी है। और गाइस, एक चीज़ जरूर चेक कर लीजिए कि जो आपका लॉन्चर है उसमें ये जो टर्बो स्प्राइजन की लेयर है वो आ रही है या नहीं। तो देख सकते हैं कि मेरे में तो अच्छे से फिक्स हो रही है और अटक भी रही है। तो अब क्या करना है हमको, सबसे पहले इन 3 को चिपकाना है, 4 को आपस में, फिर इस 5वें को भी चिपका देना है। तो अभी मैं आपको चिपका के दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चिपका लिया है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से चिपका है और ये काफ़ी मोटा भी हो चुकी है इसकी लेयर, देख सकते हैं। मैंने इसको फेविकॉल से चिपकाया है, आप चाहें तो फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेयर को तो मैंने फेविक्विक से चिपकाया है, फेविकॉल से। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको पूरा कैसे करना है। अब आपको सबसे पहले एक पेपर ले लेना है, देख सकते हैं, और इसको कुछ रोल कर देना है। मैं जैसे कह रहा हूँ बता रहा हूँ वैसे ही रोल करना है। तो देख सकते हैं आप कि कुछ जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप रोल करिए। देख सकते हैं आप, इसी तरीके से आपको रोल करना है। देख सकते हैं, तो अब इसको यहाँ से चिपका देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये चिपक चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे क्या करना है। तो देख सकते हैं आप कि अब इसको हमें क्या करना है कि फेविक्विक को पहले साइड में रख देता हूँ मैं। तो अब इसको कुछ इस तरीके से रोल कर देना है। पर सबसे पहले आप इसको एक मार्कर ले लीजिए, उसके ऊपर ऐसे रख के रोल कीजिए। इसको मैं बर्स्ट में नहीं बनाऊंगा क्योंकि बर्स्ट में बनाने के लिए इसका बहुत सारा मुश्किल लगेगी। तो ये मैं इजी वे में बना रहा हूँ, तो आप भी इजी वे में ही बना सकते हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं बस फंक्शन सिस्टम में भी इसको बनाना सिखा दूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको मैं इजी वे में बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि ऐसे रोल कर लेना है, लेकिन इसको थोड़ा सा खुला रखिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको रोल करना है। आप एक बॉटल कैप ले लीजिए, तो इतना आपको रोल करना है, देख सकते हैं आप। मैंने मार्कर में करके दिखाया था ताकि ये पहले अपनी थोड़ी सी शेप ले लें, फिर आपको बॉटल कैप की लेंथ के हिसाब से करना है। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये है हमारी लेयर टर्बो स्प्राइजन की, तो इसके यहाँ पे जितना इसका ये है बीच में, इतना ही हमको लेना है। तो अब इसको कुछ इस तरीके से चिपका देना है हमें। तो चलिए आपको मैं चिपका के दिखा देता हूँ। इसको चिपकाने के लिए मैं फेविक्विक का यूज़ करूँगा क्योंकि ये काफ़ी मोटी बन चुकी है और बहुत ही हैवी भी है, तो ये फेविकॉल से नहीं चिपकेगी। तो मैं अभी आपका चिपकाने के बाद मिलता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चिपका लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, साइड साइड में फेविक्विक लगा के चिपकाया है ताकि ये बहुत ही मजबूती से चिपके। तो अब हमें क्या करना है अभी आपको मैं बता देता हूँ, तो वीडियो में आगे बने रहिए। अब आप एक बॉटल कैप ले लीजिए और इसमें इतना आपको छेद सर्कल काट लेना है,
जितना इसमें रहता है। यह मेरी छोटी वाली फेविकॉल का कैप है, तो वो मेरा खाली हो गया था। तो अब हमें क्या करना है कि इसको ले लेना है, इस पार्ट को। इसकी टिप इतनी बड़ी रहती है तो मैंने काट के छोटी कर लिया। तो अब इसको जो है इस बॉटल कैप के तय करना है, जितना ये है यहाँ से काट लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से कुछ इस तरीके से आप बाहर निकाल लीजिए। और अब इसको हमें चिपका लेना है। मैं अभी आपको चिपका के दिखा देता हूँ, पर मैं इसको भी फेविक्विक से ही चिपकाने वाला हूँ। आप भी फेविक्विक से चिपकाइए, क्योंकि प्लास्टिक तो ऑब्वियसली फेविक्विक से ही चिपकेगा। और कैसे इसको चिपकाते हुए आप एक पेपर नीचे रख लीजिए, क्योंकि फेविक्विक यहाँ से बाहर भी निकलेगी थोड़ी थोड़ी, तो वो भी चिपक ना जाए। तो अब ये इसको सूखने देते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छे से चिपक चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि अपनी जो टर्बो स्प्राइजन है उसके लिए अर्ली लेनी है, और जो ये टिप है इसको बॉटल कैप के जैसा बनाया था इसके नाप से। तो अब हमें यहाँ पे फेविक्विक लगानी है और इसको यहाँ से अच्छे तरीके से चिपका देना। मैं अभी आपको चिपका के दिखा देता हूँ। तो अब हमें एक और पेपर ले लेना है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा पहले लिया था। ये ऐसे ही ड्रॉ हो रखा है, इसको इस पे ध्यान मत दीजिए। तो हमें पहले की तरह ही एक और ऐसे रोल कर लेना है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल वैसे करना है जैसे पहले किया था। आप देख सकते हैं कि वैसे ही मैंने कर लिया है। तो हमें रोल भी इसे बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे इसको किया था, इस वाले को बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसको हैवी तो बहुत है, लेकिन अभी ये जो हम स्टेप कर रहे हैं इसे और ज़्यादा हैवी हो जाएगा और ज़्यादा देर तक स्पिन कर पाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको रोल कर लिया है। तो अब हमें अपना टर्बो स्प्राइजन ले लेना है, और ये जितना ये ऊपर ऊपर है इसके ऊपर इसे लगा लेना है। तो मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ।